हाँ जी बेटा, लीनियर इस बार आपकी सिर्फ इतनी आ रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं थोड़ा सा फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, चैप्टर 10 की मिसलेनियस आएगी, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कुछ बच्चों को स्कूल में ये वाला टॉपिक करवाया लीनियर का, सिर्फ एक ही टाइप वाई वाली, एक्स वाली नहीं करवाई है, तो मैं आपको वो करवा रहा हूँ। टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब ये है कि जिसमें डिग्री 1 होती है, मतलब हमारा वेरिएबल जो होगा वाई, पूरी इक्वेशन में वाई आपको नज़र आ रहा होगा और उसकी पावर जो हो रही होगी, वाई की पावर हमेशा 1 मिलेगी। क्या मिलेगी वाई की पावर हमेशा 1। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन है जब आप देखेंगे, लीनियर की पहचान ही यही है। जब आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको वाई की जो टर्म नजर आएंगी, चाहे वो एक बार नजर आए, चाहे वाई आपको 2 बार नजर आए, चाहे आप 3 बार, जितनी बार भी वाई नजर आएगा, सारे वाई कॉमन लेने के बाद एक ही पावर नजर आएगी, वाई की 1। वाई के साथ डी वाई नहीं होना चाहिए, वाई के साथ डी वाई वाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है आपको लीनियर आइडेंटिफाई करना, ठीक है? क्वेश्चन जब भी आपके सामने भाई, चलो तो वाई की जो पावर है वो हमारी 1 होगी पूरे क्वेश्चन में। लुक एट द क्वेश्चन, देखो जी, वाई आपको एक ही नज़र आ रहा है, वाई की पावर 1 है। पूरा क्वेश्चन देख लो, वाई एक ही नज़र आ रहा है, वाई की पावर 1 है। पूरा क्वेश्चन देख लो, वाई एक ही नज़र आ रहा है, वाई की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे भी देखो, सेक एक्स इंटू वाई है, वाई की पावर कितनी है? 1। देखिए जी, वाई की पावर कितनी है? 1। पूरा क्वेश्चन ये वाला देखो, आपको वाई एक ही नज़र आ रहा होगा और वाई की पावर में है 1, ठीक है जी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो होती है जिसमें आपका एक, वैसे तो अभी तक जो था दोनों वेरिएबल की आती थी, एक्स वाली भी होती थी और वाई वाली भी, बट इस साल क्योंकि कोरोना है तो आपका सिलेबस डिलीट हुआ है, तो सिर्फ एक ही बताई गई है, वाई वाली। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, वहां आपको पहचानना पड़ेगा कि वो लीनियर से होना है, होमोजीनियस से होना है या सेपरेबल से। मैंने होमोजीनियस की पहचान बताई थी आपको, अच्छे से देख लेना, पहले क्वेश्चन पहचानना सीखो कि होमोजीनियस या लीनियर से होगा सेपरेबल। सेपरेबल में हम अलग अलग कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म अलग हो जाती है, वाई वाली टर्म अलग हो जाती है, इंटू या डिवाइड में। होमोजीनियस में मैंने आपको बताया था साइन कोस वगैरह होता है, तो एंगल में उनका वाई अपोन एक्स या एक्स अपोन वाई नजर आएगा। और अगर पॉलिनोमियल है तो हर अलग अलग टर्म्स की जो पावर होगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। लीनियर में क्या होगा, जब पूरा क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो वेरिएबल आपका जो वाई होगा वो आपका पूरे क्वेश्चन में एक ही बार नजर आ रहा होगा वाई, और वाई की पावर हमेशा क्या होगी? 1 होगी। वाई के साथ डी वाई नहीं होना चाहिए, वाई के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होना चाहिए। वाई के साथ अगर डी एक्स आ गया तो चलेगा, वाई के साथ डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया तो चलेगा, बट डी वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। एक बार दोबारा दिखाता हूँ, देखो ये होमोजीनियस नहीं है, बिकॉज साइन की टर्म आ रही है, साइन कॉस ई कुछ भी आता है, तो अगर एंगल में एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स होगा तो वो होमोजीनियस से होगा, अदरवाइज ये आपका या तो लीनियर है या सेपरेबल है। देखो जी, आप वाई की पावर 1 नजर आ रही है तो लीनियर से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप देखो, वाई की पावर 1 नजर आ रही है, एक ही वाई नजर आ रहा है, वाई की पावर 1 है लीनियर, वाई की पावर 1 है लीनियर। सारे क्वेश्चन देख लो, जैसे इस वाले को देखो, वाई की पावर कितनी बेटा? 1। तो दिस इज वट लीनियर, गॉट इट। इस क्वेश्चन में भी देखो, वाई एक ही नजर आ रहा है, वाई की पावर है 1। अगर मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ, दिस इज अ लीनियर, वाई आपका 2 बार नजर आ रहा है, लेकिन दोनों वाई की पावर अगर आप देखो तो 1 मिलेगी, है ना? और कॉमन ले लोगे आप, 1 प्लस एक्स कोट एक्स हो जाएगा, तो वाई की पावर 1 हो जाएगी। तो दिस इज वट लीनियर, ठीक है? ये लीनियर वाई वाली नहीं होगी, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो वाई के साथ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और मैंने कहा था वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाली है इस साल, तो इस वाली टर्म के अंदर, वाई वाली लीनियर के अंदर, तो लीनियर एक होती है एक्स की टर्म में और एक होती है वाई की टर्म में। आपके सिलेबस में वाई की टर्म में है तो हम वाई वाली ही करेंगे, एक्स वालों को छोड़ देंगे। तो ये वाला जो लीनियर है ये एक्स वाली टर्म का है, बट ये लीव है, इसको छोड़ देंगे, ये भी एक्स की टर्म में, आप चेक कर लो, वाई और वाई स्क्वायर आ गया, तो ये लीनियर वाई वाली नहीं है, क्योंकि वाई की पावर 2 आ गई। इसमें भी देखो, वाई की पावर 2 आ गई, तो दिस इज नॉट अ लीनियर ऑफ वाई टर्म वाई। क्लियर है बेटा? इसमें देखिए,
वाई की पावर कितनी है जी? एक। तो ये है लीनियर वाई वाली, अगले वाली भी लीनियर है वाई वाली, क्योंकि वाई की पावर वन है पूरे क्वेश्चन में। इसमें भी देख लो वाई एक की वाई की पावर वन होगी, तो दीज आर द लीनियर ऑफ टर्म वाई। ठीक है जी, एट्थ बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट्थ है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई टू एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोट एक्स डी एक्स। ये लीनियर है क्योंकि पूरे इक्वेशन में आपको वाई नजर आ रहा है और वाई की पावर वन है, वन के अलावा कुछ नहीं है, तो ये लीनियर है वाई वाली। फिर इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में बदलेंगे, लीनियर अगर आपने पहचान लिया कि ये वाई वाली लीनियर है, होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि त्रिगो आ गई, त्रिगो होती है तो होमोजीनियस तब होता है जब एंगल में हमारा एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन एक्स होगा। दूसरी चीज, अगर मैं पावर काउंट करूँ, इसकी टू है, इसकी टू है, बट इसमें तो कोई पावर ही नहीं आ रही, वन आ रहा है कॉन्स्टेंट, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं होगी। सेपरेट भी नहीं कर पाओगे आप इसे, तो आप पूरे क्वेश्चन में देखो वाई आपको एक ही नजर आ रहा है और वाई की पावर वन है, इसलिए ये लीनियर है। कौन से वाली? वाई वाली। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, डिवाइड बाय डी एक्स करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स सबको डी एक्स से डिवाइड करा, तो यार वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे कर दिया डी एक्स कट जाएगा, ये आ गया जी लीनियर है। लीनियर में इसके साथ कुछ भी नहीं होता, तो जो भी इसके साथ होगा उससे आप सबको डिवाइड कर दोगे, यानी कि इससे मैं डिवाइड कर दूँ, तो आया हमारा डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर वाई कोट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, वाई के साथ जो भी होगा उसे पी ले लेंगे और राइट साइड साइड में जो भी होगा उसे क्यू से रिप्रेजेंट करा देंगे। क्लियर है जी? फिर आपको निकालना होता है ये इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसके बेसिस पे आप इस पूरे का सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो मैं पहले पी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, इसको टी लिया, टू एक्स डी एक्स आ गया डी टी के। आ रहा है लॉग टी, टी की वैल्यू रख दी वन प्लस एक्स स्क्वायर, या जी इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। फिर आप निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आया बेटा? लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, ई और लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो फाइनली आया जी वन प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर इंटीग्रेशन फैक्टर। तो डाउट यहाँ तक किसी को? ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, लीनियर पहचान लेनी है, उसके बाद जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में बदलेंगे, वाई का कोएफिशिएंट लेना है जिसे पी लेंगे, ये क्यू, और जो भी वाई का कोएफिशिएंट होगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर वहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो वाई का कोएफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन यहाँ रख दिया, सोल्व करके आया। अब क्या करेंगे? अब करना है हमारे को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उससे। तो इक्वेशन फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, ये इक्वेशन फर्स्ट होती है, इसको दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वन प्लस एक्स से इसको और राइट हैंड साइड में जो होगा उसको भी वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, या इंटीग्रेशन फैक्टर, उसके जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, किसको? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है, फर्स्ट इक्वेशन जिसे हमने लिया है, जिससे हमने पी और क्यू निकाला है, उस इक्वेशन को आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर से। लेफ्ट साइड में हमेशा क्या आएगा? वाई, जिससे आपने पी और क्यू निकाला है उसको मल्टीप्लाई करोगे,
इंडियन फैक्टर से आप इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपने पी और क्यू कंपेयर करा है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगी, ठीक है। लेफ्ट जो भी मल्टी इसको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा, ये आया। अब इसका लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट लिख देंगे हम इसका, नहीं जो कि होता है कि वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रेशन होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी कि वाई इंटू वन प्लस एक्स के, लेफ्ट साइड का ये आ गया। और राइट साइड में जो भी आए बचेगा उसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। कोट एक्स कंटिन्यू होता है लॉग साइन एक्स, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज व्हाट जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सी की वैल्यू नहीं निकाल रहे। कोई डाउट जी किसी को? क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी देख लो, एक साथ ही नोट कर लेना, दो तीन क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन, इसके होमवर्क में जो करने 8, 9, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, और एग्जांपल बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ क्वेश्चन भी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल टू जीरो। लीनियर है बिकॉज दोनों वाई की पावर वन है, दोनों में से वाई कॉमन लूंगा तो वन प्लस एक्स कोट एक्स रह जाएगा, माइनस एक्स रह गया। अब चेक करो वाई की पावर वन होगी तो दिस इज व्हाट लीनियर। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन में ये दो टर्म उधर होनी चाहिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे वन प्लस एक्स कोट एक्स y इज इक्वल टू x। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका कोएफिशिएंट जो भी होता है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं, तो dy वाई बाई डी एक्स आया, डिवाइड करा मैंने इसको x से 1 बाई एक्स आया, प्लस इसको करा तो कोट x आ गया y और इधर आ गया 1। तो दिस इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो y का कोएफिशिएंट होगा उससे p ले लेते हैं, ये हमारा p हो गया, और राइट साइड में जो होगा वो q हो जाएगा। कोई डाउट? डाउट? उसके बाद जिसे पी लेते हैं उसका इंटीग्रल निकालते हैं, वन बाय एक्स का हो गया लॉग एक्स, इसका हो गया लॉग साइन एक्स, तो ये सोल्व करके आएगा लॉग एक्स साइन एक्स, लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा। फिर आप निकालते हैं क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर, जो कि क्या होता है बेटा, e की पावर में पी डी एक्स, यानी कि e की पावर में इंटीग्रल पी डी एक्स, जो कि ये आया है लॉग x साइन x, लॉग से लॉग कट गया, e और लॉग कैंसिल हो गया, सॉरी क्या आया हमारा x साइन x। तो दिस इज अवर इंटीग्रल फैक्टर। फिर जो इंटीग्रल फैक्टर होता है मल्टीप्लाई करते हैं इससे इक्वेशन फर्स्ट को जिससे आपने p निकाला और q निकाला है, बाय x साइन x, इसको भी और इसको भी, यहाँ पे आएगा x साइन x, ब्रैकेट में है dy वाई बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स कोट एक्स y, और वहाँ पे आया जी 1 इंटू एक्स साइन x। और मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, जो कि क्या है हमारा x साइन x, और राइट साइड में जो भी आएगा उसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। ज़्यादातर लीनियर वालों में बाईपार्ट लगता है, तो इसमें हम लगाएंगे बाईपार्ट फर्स्ट और सेकंड लेकर, ये आपका ऐसे चलता रहेगा, इसको सोल्व कर लेंगे। कर लोगे इंटीग्रेशन इसका बाईपार्ट लगा के, राइट लेफ्ट साइड में चलता रहेगा आपका, ठीक है जी, बाईपार्ट से होगा। कोई डाउट? डाउट है कोई? एक बार ये एग्जाम्पल देखिए एक दो, जो इसके इम्पोर्टेंट है, ये वाला एग्जांपल जरूर कर लेना, इम्पोर्टेंट है जी, दिस वन मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ मैं। लीनियर है, वाई की पावर वन है जी, ये पी हो गया, ये पूरा क्यू हो जाएगा,
पी और क्यू, इसका इंजन कर दिया सोल्व करके ये आ गई, इन तीन फैक्टर आ गई हमारे। उसके बाद दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा साइन एक्स से, उन्होंने वो स्टेप दिखाया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया वाई इन टू इंटी फैक्टर और राइट साइड में जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो ध्यान से देखो, ब्रैकेट खोला मैंने, ये आया और ये आया। अब क्या है, इसमें भी बाय पार्ट लगना, इसमें भी बाय पार्ट लगना, आप सिर्फ इसमें बाय पार्ट लगाओ, इसको ऐसे ही रखो, रिमेन सेम। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इसमें बाय पार्ट लगाया उल्टा करके। अब यही एनसीईआरटी वालों की दिक्कत है, रूल कुछ बताते करते कुछ है। बाय पार्ट के अकॉर्डिंग पहले किसका डेरिवेटिव होना चाहिए, फर्स्ट किसको लेते हैं, एक्स को लेंगे। अगर मैं बाय पार्ट लगाऊंगा, इसके अंदर बाय पार्ट लगाता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड होना चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने क्या, इसको फर्स्ट इसको सेकंड ले लिया बस मैच करने के लिए। तो आप क्या करें, इस वाले मेथड से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, बुक है अपनी मैप बुक के अंदर मार्क कर लो। आप इसमें बाय पार्ट लगाओ फर्स्ट और सेकंड रख के, इसको आप ऐसे लेके चलना रिमेन सेम, फिर इसमें बाय पार्ट लगाओगे तो बाद में जाके ये कट जाएगा, ठीक है जी। बुक है आपके पास, बुक में इसको मार्क कर लो। आप कैसे करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना लीनियर का। सिर्फ इसमें बाय पार्ट लगाओगे, इसको नहीं लगाओगे, इसको आप ऐसे ही रखना इंटीन के साथ। और इसमें बाय पार्ट आया एक्स स्क्वायर बाय इंटीन ऑफ कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कोस एक्स का इंटीग्रेशन। इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाला जो स्टेप है ये कट जाएगा। देखो कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स माइनस ये आएगा इसका रेटिव टू एक्स और ये साइन एक्स डी एक्स। देखो ये कट गया तो फाइनली आया जी एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी और लेफ्ट साइड में ये चलेगा, ठीक है जी। इस वाले मेथड से करना, ये अपने बुक में कर लेना। कोई डाउट किसी को, मार्क कर लो एग्जाम्पल 22 लिख लो एक पेज पे, एग्जाम्पल 22 मस्ट डन, 21 छोड़ देना। फिर वो वाले क्वेश्चन को जरूर करना इसके अंदर, ये वाला एग्जाम्पल 19, ठीक है। एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 21, 21 बोला 22 बोला है 22 हाँ। और एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन बोले हैं, 8, 9, 13, 14, 15, ये हमारी 9.6 एक्सरसाइज के मिसलेनियस में देखो। लास्ट एग्जांपल है ये वाला, करना है जी नहीं, नहीं करना क्योंकि ये लीनियर है एक्स वाली, लीव दिस, नहीं करना एग्जांपल कौन सी भी। और ये एक्सरसाइज में 12th क्वेश्चन मिसलेनियस का लीनियर है जी, क्यों है, क्योंकि वाई की पावर कितनी बेटा 1 करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस का। ये आप खुद करेंगे, लीनियर है क्योंकि y की पावर 1 है, ठीक है जी। और ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, मिसलेनियस 12 और 13 ये भी करनी, ये आपके क्वेश्चन से टॉपिक से रिलेटेड। ये वाला क्वेश्चन देख लो 12th मैं करा रहा हूं आपको, क्या है क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये डी एक्स अपॉन डी वाई है और वाई के साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, डी एक्स अपॉन डी वाई हो सकता है, मैंने लिखवाया था। लीनियर है वाई वाली तो आपको डी वाई बाई डी एक्स, ये मैं उधर ले जाऊंगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आया इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया और ये बच गया। कोई डाउट यहां तक,
डाउटेडी लीनियर वाले में वाई वाली टर्म जो है लेफ्ट में होती है, इसलिए मैं इसको इधर ले आया, राइट में ही आ गया। अब पी लेंगे, पी जो है वाई के साथ है, वन अपॉन रूट एक्स, और क्यू हमारा ये हो गया। फिर आप निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी कि वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो कि होता है टू रूट एक्स। फिर आप निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर जो कि होता है ई की पावर पी डी एक्स, क्या आया ये टू रूट एक्स। यहाँ लोग नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ सॉरी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से पी और क्यू निकाला है, मल्टीप्लाई करेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेशन फैक्टर से, यानी कि ई की पावर टू रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप। तो डाउट बेटा ये तो कट ही जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखते हैं वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और राइट साइड में जो भी बचा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे टू रूट एक्स प्लस। तो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। तो डाउट कई बार हमें सिंपल सिंपली एक नंबर या दो नंबर में सिंपली इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए बोलता है, तो ये निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है।